हेलो फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे कि ब्लूटूथ कैसे ऑन करते हैं वीवो मोबाइल में। ओके, सबसे पहले हम लोग नीचे से स्लाइड करेंगे और यहाँ पे ब्लूटूथ का आइकन बना हुआ है, उसे ऑन कीजिए और आपका ब्लूटूथ ऑन हो गया। राइट, हम लोग चेक करेंगे हुआ या नहीं। राइट, ये तो हो गया शॉर्टकट ऑप्शन। और अगर आपको शॉर्टकट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है शॉर्टकट ऑप्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ लिखा होगा, ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ऑन कीजिए और आपका ब्लूटूथ ऑन, और आपको आपके नियर बाय जिन्होंने ब्लूटूथ ऑन किया है वो सारे डिवाइसेस दिखाई देंगे, और सामने वाले को आपका डिवाइस का नाम जो आपने लिखा होगा डिस्प्ले नेम वो यहाँ पर आप डाल सकते हो, आपको क्या नाम सामने वाले को दिखाई देना चाहिए। ओके, और अब हम देखेंगे हॉटस्पॉट कैसे ऑन करते हैं हमारे मोबाइल में, ताकि हम अपना नेट अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सके और वो अपने नेट चालू करके सारी चीज़ें, सर्फिंग जो भी है, व्हाट्सएप यूज़ कर सके। ठीक है, हम सबसे पहले क्लिक करेंगे सेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, सेटिंग्स में उसके बाद हम लोग चेक करेंगे हॉटस्पॉट। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्लाइड है, स्लाइड बटन है, उसे ऑन करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं ऑन करूँगा ये हॉटस्पॉट ऑन हो गया। अभी सामने वाले को जैसे ही वो वाईफाई ऑन करेंगे, ठीक है, उसे ये आपका डिवाइस का नाम दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, वीवो 1807, ये आपको आपके डिवाइस का नाम उसे देखना है और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, पर आपको एक ध्यान रखना होगा, ये पासवर्ड उनके साथ शेयर करना होगा जो है 1234567888, ताकि वो हॉटस्पॉट आपका यूज़ कर पाए। ये शेयर तो हो गया, पर विदाउट पासवर्ड वो आपका पासवर्ड आपका नेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हॉटस्पॉट का ऑप्शन। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।